उपमा बना रहा हूँ ब्रेकफास्ट में, देख लीजिए कैसे बनाता हूँ। अब उपमा बनाने के लिए सबसे पहले हमें करना है रवा को रोस्ट। रवा यानी कि सूजी। यहाँ मैंने ले लिया है अराउंड 1.5 टेबल स्पून घी। अच्छा ध्यान रखना है हीट लो रहेगी, उसमें मैं ऐड कर दूंगा रवा। मैंने लिया है अराउंड 150 टू 200 ग्राम रवा। इसको धीरे धीरे चलाना है। कब तक चलाना है? जब तक एक अरोमा रिलीज नहीं कर देता रवा, तब तक। या फिर आप कह सकते हैं कि हल्का सा कलर चेंज जब तक नहीं हो जाता तब तक इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। भाई रवा से अरोमा तो रिलीज हो गया है और थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया। अब क्या करना है? इसको बंद कर देंगे। इसको बंद करके इसको निकाल लेंगे और फिर देखेंगे कि इसको कुक कैसे करना है। इसमें मैं डाल दूंगा सबसे पहले चॉप गार्लिक और उसी के साथ जाएगा अनियन। के साथ मैं ऐड कर दूंगा इसमें कैरेट यानी कि गाजर। हीट मीडियम रहेगी, हीट को हाई नहीं करना है। इसके बाद जाएगा ग्रीन चिली। इसके बाद ऐड करेंगे कैप्सिकम, शिमला मिर्च। थर्टी सेकेंड चलाने के बाद इसमें ऐड कर देंगे टमाटो। और टमाटो के साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हाफ टेबल स्पून से थोड़ा कम यानी कि 1/4 टेबल स्पून सॉल्ट। इसको कब तक चलाएंगे? जब तक टोमेटो की स्किन सॉफ्ट नहीं हो जाती। देख सकते हैं टोमेटो की स्किन सॉफ्ट हो गई है। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं, इसमें रवा ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे।
और उसके बाद इसमें वाटर ऐड कर देंगे। अब वाटर आप ठंडा भी मिला सकते हैं, बट मैं इसमें वार्म वाटर ही मिलाता हूँ। वाटर थोड़ा और ऐड करना होगा, बट थोड़ी देर बाद ऐड करेंगे। हीट को लो कर लेंगे और थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेंगे कि सॉल्ट बैलेंस्ड है नहीं है। थोड़ा सा कम है। एज पर टेस्ट ऐड करिएगा सॉल्ट। और बस इसको ज़्यादा देर नहीं चलाना है। ऑलमोस्ट रेडी है। मैं जब भी उपमा बनाता हूँ तो मैं उसमें एक चीज़ और ऐड करता हूँ, वह शुगर। कितना? टेबल स्पून पूरा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है सॉल्ट एंड शुगर का टेस्ट बैलेंस करना है इसमें। बस चला देंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। लीजिए, रेडी है आपका उपमा। हीट बंद कर लेते हैं, फोकस करते हैं इसके सर्विंग पर। लीजिए, रेडी है आपका उपमा। मैं तो वही बोलूँगा, घर पे बना के देखिए, अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एंजॉय करिए उपमा। फिर मिलते हैं। बाय बाय।